आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2022 के ऊपर बात करेंगे, उनके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सभी लोगों ने इंतज़ार किया मुझे 4-5 दिनों, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और आज मैं कुछ ठीक हूँ, इसलिए मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आप सभी लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करें, प्यार करें, मैं हमेशा आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास अपने स्तर से करते रहूँगा। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम नेक में हो गया था, गर्दन में, क्योंकि जब भी मुझे जो ठंडे चीज़ें होती है, जब भी मैं खा लेता हूँ तो मुझे थोड़ी आवाज़ में दिक्कत होती है। वो इसके पीछे बहुत बड़ा राज्य है जो कि मैं कभी बाद में आपको बताऊँगा, वो अलग बात है। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सिलेबस के ऊपर जो है प्रीवियस एक दो वीडियो में बात किया है, वो भी सिलेबस ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले ही जो है आपके सिलेबस बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उस सिलेबस को देख लेते हैं और इस सिलेबस के अनुरूप जो है आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको तो ये मालूम है कि आपका टोटल जो है 150 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, वो भी आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, ये तो आपको मालूम है। क्योंकि देखिए, आपका टोटल नंबर ऑफ जो एग्जाम होने वाला है 450 नंबर के होने वाले हैं, 150 होने वाले हैं और 3 नंबर आपके एक प्रश्न का सही उत्तर का मिलेगा। तो देखिए, ये आपका टोटल 450 हो गया। अगर आप कोई प्रश्न गलती करते हैं तो आपका -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, इसमें निगेटिव आपका है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। तो देखिए, सिलेबस क्या है आपका मालूम है कि आपका हिंदी है, सिलेबस आपका हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, सामान्य अध्ययन है और आपका रीजनिंग है। सभी के वीडियो जो है मैंने आपको बताया था, हर एक वीडियो के माध्यम से मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब जो है इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अनुरूप जो भी है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आज से ही आपको या कल से क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हिंदी में आपको पढ़ना है व्याकरण, देख लीजिएगा, बस एक बार आप देख ले, इसके अनुरूप आप तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि यह जो है ऑफिशियल आपका जानकारी है। ऐसे में आपको बता दूं कि क्लास 10th के जो भी आपके सिलेबस है वही सिलेबस आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, वही है आपका, उससे कुछ अलग नहीं है। बस आपका थोड़ा सा ये आपका रीजनिंग अलग आ रहा है, बाकी जो आपका 10th एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान या सामान्य अध्ययन हो, वह सभी सेम ही है। समझ गए मेरी बात को? आगे देखिए, देखिए यहाँ पर साहित्य शास्त्र से शब्द शक्ति, जितने भी हिंदी के साहित्य शास्त्र हुए उनके जो है शब्द शक्ति, जैसे लेखक हो गए, कवित्री हो गए, कविता लिखने वाले हो गए, गद्यांश पद्यांश, ये सब प्रश्न इसमें आ जाएंगे। फिर आपका व्यंजना, अलंकार और उपमा, रूपक, छंद आदि, ये आपका जो है हिंदी का सिलेबस है। जो मैंने अभी आपको बताया वो हिंदी का है, समझ गया। उसमें आपको ग्रामर पढ़ना है, साहित्य शास्त्र जितने भी होते हैं वो पढ़ना है, व्यंजना, अलंकार, उपमा और रूपक, छंद पढ़ना है। गद और पद तो आपके 5 नंबर आएंगे ही आएंगे, वो पैसेज टाइप के आते ही आते हैं। देखिए, इंग्लिश में क्या है आपका ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पैसिव वॉइस, फ्रेज, क्लॉज, प्रीपोजिशन, ये आपको पढ़ना है, आदि यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब और कुछ पढ़ना है। ग्रामर आपको पढ़ना है इंग्लिश में, फिर आपको पैसिव वॉइस पढ़ना है, फ्रेज पढ़ना है, क्लॉज पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, ये आपको इंग्लिश में पढ़ना है। मेरी बात आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं। गणित में आपको पढ़ना है, जो कि आपका 10th का ही सिलेबस है गणित का, वो क्या है आपका संख्या पद्धति, बीज गणित, व्यवसायिक गणित, फिर आपका नियमावली, ज्यामिति, फिर आपका ज्यामिति, क्षेत्रफल, संख्याकी, त्रिकोणमिति, ये आपका जो सिलेबस है गणित का, ये आपका 10th लेवल का है। किस लेवल का है? 10th लेवल का है। संख्या पद्धति, बीज गणित, व्यवसायिक गणित, नियमावली गणित, जिसमें आपका फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न होंगे, ज्यामिति, क्षेत्रफल, संख्यांकी और त्रिकोणमिति, ये आपका 10th लेवल का है। अब अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में देखिए आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ये सब आपका 10th लेवल का है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, आपका है वाष्पीकरण, उष्मा का अवशेषण, फिर आपका पादप व जंतु जनक, पादप व जंतु जनक, ये हो गया जनन, सॉरी जनक। देखिए यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस विशिष्टा, ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो भी 10th लेवल का सारे चैप्टर है। देखिए, तत्व यौगिक, मिश्रण सामग्री वो अमिश्रण, यही हो गया आपका,
पौधे वो जंतुओं के प्रमुख समूह, फिर आपका जो है पौधे के विविधता, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकोंडिया, ये क्या है, रिक्त क्रियाएं। फिर आपका वेग, सामान्य वेग जो कि आपका वेग और सामान्य वेग जो कि आपका क्लास टेंथ में पढ़ना है, बल, गति, न्यूटन के नियम, कार्य व ऊर्जा और शक्ति, ये आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपका बायोलॉजी है वो टेंथ लेवल का है, ये आपको वहाँ पर पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं अध्ययन, सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है भौगोलिक खोज, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, फिर आपका जो है नारीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, ये दोनों पढ़ना है। समाज वो उपनिवेशवाद, ये आपको पढ़ना है, जो कि क्लास टेंथ का ही आपका चैप्टर है। सभी देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था, आजीविका, शहरीकरण, कृषि, फिर आपका जो है संसाधन, कृषि संसाधन और आपका जल संसाधन। ये जो आपका सिलेबस है वो आपको क्लास टेंथ का ही है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये आपका सिलेबस जो है बोर्ड के अनुसार जो है जारी हुआ है। अब हम बात कर ले रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पढ़ना है, जिसका क्लासेस आपको स्टार्ट है, वीडियो आपको मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी चैप्टर वाइज मेरा सीरीज चल रहा है। आज से जो है आपके एक और न्यू सीरीज लंच होंगे जिसमें क्लास टेंथ के चैप्टर वाइज आपके प्रश्न मिलेंगे, मोर देन क्वेश्चन होंगे, मोर देन प्रैक्टिस करना है ताकि आपके एग्जाम जो है बेहतर जा सके। मैं आपको बता दूँ पिछले 4 या 5 दिनों से जो भी क्लास नहीं हो रहे थे वो मेरी वीकनेस और बीमारी की वजह से नहीं हो रहे थे, मैं बीमार था इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। बाकी 2 सर जो लोग आ रहे थे वो जो सर थे वो उनके काम था, बिजी पर्सनल काम था, जिनकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सर को मैं लाऊं, आपकी क्लासेस डेली बेसिस पर हो, लेकिन प्रयास जारी है। ऐसे में आपको बता दूँ आज आपके जो क्लास है वो बहुत जल्द जो है स्टार्ट हो जाएंगे, मोर देन क्वेश्चन, मोर देन प्रैक्टिस होगा, आप बेहतरीन ढंग से देखेंगे। अब एक बात आती है लाइव क्लासेस की, तो मैं बता दूं कि लाइव क्लासेस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इसलिए आपको मोर देन अपलोडेड वीडियो ही मिलेंगे। आप रेगुलर बेसिस पर वीडियो को देखें और कंटेंट को तैयार करें और मोर देन प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। आपका एग्जाम जो है इसी मंथ के लास्ट वीक तक डेट आ जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त के बाद ही होगी, इधर तो नहीं होगी, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाए, अभी भी आपके पास 1 मंथ है, अप्रॉक्स 1 मंथ तो आपको मिल ही जाएंगी जी। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट था, आपके सामने मैं उपस्थित हूँ, अभी भी मुझे थोड़ा फीवर है, फिर भी मैं आप सभी लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग बने रहेंगे और जुड़ते रहेंगे, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।